खबर है रायपुर से, जहां पर गायक बाबा हंसराज रघुवंशी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। रायपुर की इवेंट कंपनी के संचालक युवती ने आरोप लगाया है कि पैसे लिए गए, वापस नहीं किए गए। 11 जून 2023 को इंडोर स्टेडियम में होना था हंसराज रघुवंशी का कार्यक्रम। आरोप यह है कि गायक हंसराज रघुवंशी की पत्नी कोमल सकलानी ने नगद के अलावा अर्बन लाइव एंटरटेनमेंट के माध्यम से 11 लाख रुपए एडवांस के तौर पर लिए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के चलते शासन ने जगह वापस ले ली। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हंसराज को वापस पैसा करना था, लेकिन युवती का आरोप यह है कि एडवांस के 11 लाख रुपए अब तक वापस नहीं किए गए। हंसराज रघुवंशी जी का कार्यक्रम होने वाला था 11 जून को लास्ट ईयर इंडोर स्टेडियम में, जिसकी बुकिंग भी हम लोगों ने कराई थी, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में कांग्रेस का संभाग्य सम्मेलन था और उनके नॉर्म्स में था कि अगर कोई भी सरकारी रूप से कोई काम आता है तो उनको हमसे प्राइवेट जो भी कंपनी का कार्यक्रम है उनसे वेन्यू लेना पड़ेगा। उन्होंने वेन्यू लिया, पर उसके बाद हमने प्रयास भी किया और हमने आर्टिस्ट को बोला भी कि जो भी आपको हमने फंड दिया है आप उसको कंटिन्यू करते हुए ऐसी ऐसी बात हुई हुई है तो आप हमको अगला तारीख दे दो, लेकिन उन्होंने हमको ना अगला तारीख दिया, उसके बाद से हमारा फोन कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं। थाना पुरानी बस्ती में प्रगति पांडे ने एक शिकायत दर्ज कराया है हंसराज रघुवंशी जो गायक हैं उनके खिलाफ, कि उनके द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिस पर हंसराज रघुवंशी के टीम के द्वारा उनके जो 10,20,000 राशि है उसको वापस नहीं किया जा रहा और वापस दिलाने के संबंध में हमारे थाना पुरानी बस्ती में शिकायत किया गया है।